मूवी की शुरुआत में तीन जन के परिवार को रसिया में किसी नदी के किनारे मस्ती करता हुआ दिखाते हैं। इनमें से सबसे छोटे वाले बच्चे का नाम सर्गी है। सर्गी अपने बड़े भाई और अपनी माँ को बड़े गर्व से एक पेड़ पर चढ़े रहने के बारे में बताता है। तभी अचानक ऊपर से एक जर्मन फाइटर जेट नजर आता है और ये देखकर उसकी माँ उन्हें जल्दी से झाड़ियों में छुपने को कहती है, मगर 6 साल का सर्गी कहता है कि उसे डर नहीं लगता और अपनी गुलेल से उस जेट पर हमला कर देता है। बच्चे के गुलेल से मारने से वहाँ जेट फट जाता है, मगर वो इधर उधर देखता है तो उसकी माँ और उसका भाई वहाँ से जा चुके हैं। सर्गी नींद से उठता है और अपने बुरे सपने से डरा होता है। वो अपनी माँ को पुकारता है। उसी टाइम दरवाजे पे कोई नॉक करता है। उसे लगता है कि उसकी माँ दरवाजे पर है, इसलिए वो भागा भागा दरवाजा खोलता है। अब दरवाजे पर उसकी पड़ोस की आंटी डरे भी वहाँ आती है और वो सर्गी को जिंदा देखकर भगवान का शुक्रगुजार करती है। फिर वो आंटी सर्गी को बताती है कि उसके भाई और माँ की डेथ हो गई। सर्गी को इस बात पर यकीन नहीं होता और वो जिद करता है कि वो घर में रह के अपनी माँ का आने का इंतजार करेगा। फिर वो घबराई हुई आंटी उसे बताती है कि जर्मन ने उन पे अटैक किया है और उसे अब यहाँ से भाग नहीं होगा। आंटी सर्गी को ऐसा बता ही रही होती है कि उसी समय कुछ सोल्जर्स उनके घर की तरफ आ जाते हैं। अब आंटी सर्गी को विंडो से बाहर जाके भागने को बोलती है और खुद भी भागने लगती है, बट इससे पहले कि वो भागे उसे शॉटगन से मार दिया जाता है। अब वो 6 साल का सर्गी अकेला है, ना उसका कोई परिवार है ना ही उसका कोई दोस्त है। जब सर्गी घर से भाग रहा होता है तो वो पीछे मुड़ के देखता है और उसे जर्मन के द्वारा लगाई हुई आग दिखती है अपने घर की जगह। वो रोता रोता अपनी माँ को पुकारता रहता है और भागता रहता है। बहुत देर तक भागने के बाद वो जंगल के बीच कहीं पहुँच जाता है। अब वो छोटा बच्चा डरा हुआ है और बुरी तरह से खो चुका है। अपनी माँ को आवाजें लगा रहा है। वो बोलता है कि वो गायब हो चुका है और प्लीज उसकी माँ आके उसको ढूंढ ले। उसी रात वो जंगल में ही रहता है और अगली सुबह वो नदी से पानी पीता हुआ दिखाई देता है। उसी समय दुश्मन सोल्जर्स उसकी तरफ आ रहे होते हैं। उन्हें आता देख सर्गी को पता होता है कि वो डेंजर में है और वो फटाफट नजदीक में एक पेड़ की रूट्स में जाके छुप जाता है और वहाँ एक सांप आ जाता है और सर्गी सहम जाता है, बट वो ना तो भागता है और ना ही चिल्लाता है। सर्गी को तो सांप से ज्यादा उन सोल्जर से डर लग रहा था। वो सोल्जर रिवर के पास खाना खाते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाते ही सर्गी उनका बचा हुआ खाना उठा के खा लेता है। सर्गी बहुत थक चुका है। सर्गी ने 2 दिन से प्रॉपर खाना नहीं खाया और बिना किसी मंजिल के बस वो चलते ही जा रहा है। उससे और चला नहीं जाता और वो गिर जाता है, बट फिर भी लंगड़ाते हुए सही वो चलता ही रहता है। चलते चलते उसको रास्ते में बैरीज दिखाई देते हैं और वो उन्हें खाने रुक जाता है और उसी समय पर वहाँ पर एक एक्सप्लोजन होता है जिससे वो डर जाता है। सर्गी को अब चक्कर आ रहे होते हैं और उसे लगता है कि उसके पीछे कोई आ रहा है, मगर वो फिर भी चलते ही रहता है और पीछे मुड़कर बोलता है कि जो कोई भी है मैं उससे डरता नहीं। उसके पास राइफल है और वो जैसे ही आगे बढ़ता है वो गिर जाता है और वहीं सो जाता है। 2 सोल्जर सोए हुए सर्गी को उठा लेते हैं। स्टोरी के आगे के सीन में दिखाया जाता है कि कमांडर कुज़नेत्सोव कैंप बेस पे अपने सोल्जर के आने का वेट कर रहे हैं जो पेट्रोलिंग करने गए थे। वो 2 सोल्जर सर्गी के साथ वहाँ आते हैं जो कि बहुत जख्मी और कमजोर दिखाई देता है। जब सर्गी उठता है तो वो अपने आप को सोल्जर्स के बेस में देखता है, पर तभी वहाँ पे मौजूद सोल्जर्स उसको बताते हैं कि वो उसकी साइड है। सर्गी उन सोल्जर्स को अपना नाम बताता है और कमांडर कुज़नेत्सोव से हाथ मिलाता है और उन्हें अपने आप को इंट्रोड्यूस करने को बोलता है। अब ये देख के सभी सोल्जर्स हंसने लगते हैं, इंक्लूडिंग कमांडर कुज़नेत्सोव। सोल्जर सर्गी को पानी पिलाते हैं और फिर खाना खिलाते हैं और सब सोल्जर उसके पास ही बैठ जाते हैं और उसके साथ बातें करने लगते हैं। कमांडर जो कि एक सख्त मिजाज का आदमी है वो भी सर्गी के साथ खेलते हैं और उसका ध्यान रखते हैं। कात्या नाम के एक नर्स सर्गी की चोट का इलाज करती है। सर्गी कात्या से कहता है कि उसकी चोट पे वो टैंक बना दे क्योंकि वो भी बड़े होके एक सोल्जर बनना चाहता है। अब ये सब सुन के कात्या भी उस बच्चे से इम्प्रेस हो जाती है। वहाँ पे जितने भी इंजर्ड सोल्जर्स थे वो सब सर्गी की बात करते हैं और अच्छा महसूस करते हैं। कमांडर सर्गी से मिलने आते हैं और सर्गी उनकी गन और बैच से खेलता है। वो बुलेट्स निकाल कर अपनी पिस्तल सर्गी को खेलने के लिए देते हैं और सर्गी के सब सवालों का जवाब देते हैं। सर्गी कमांडर को अपना टैंक दिखाते हैं जो उसे नर्स कात्या से अपने पेट पे बनवाया होता है और कमांडर को बोलता है कि वो भी बड़ा होकर एक सोल्जर बनेगा। नर्स कात्या कमांडर से कहती है कि सर्गी बहुत जल्दी ठीक हो रहा है और सर्गी को बटालियन के साथ ही रहने दो, लेकिन कमांडर बोलते हैं कि सर्गी के लिए ये सही नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर वॉर का खतरा है और कभी भी फायरिंग हो सकती है। हम उसको एक ऑर्फनेज में भेजने की कोशिश करेंगे। सब सोल्जर्स अपने फ्री टाइम में सर्गी के साथ खेलते हैं और बातचीत करते हैं। वो उसके लिए जो खाना उनके घर से आया होता है वो भी लाते हैं और उसे अपने बायनोकुलर से खेले देते हैं। एक दिन एक सोल्जर जाके कमांडर से बोलता है कि सर्गी के होने से उन्हें ये महसूस नहीं होता कि वॉर चल रही है और वो सब सर्गी से बहुत प्यार करते हैं और उसके साथ एक क्लोज कनेक्शन महसूस करते हैं और उन्हें सर्गी उनके बच्चे जैसा ही लगता है, इसीलिए सर्गी को बटालियन के साथ ही रहने दे। बट कमांडर उस सोल्जर को साफ ना कर देता है क्योंकि सर्गी का उनके साथ रहना बिल्कुल भी सेफ नहीं। उस दिन एनिमीज अटैक करते हैं और बहुत सारे सोल्जर्स इंजर्ड हो जाते हैं। कमांडर सर्गी को बताते हैं कि उसे और फ्रेंड जाने के लिए एक वेकर आया है और सर्गी को एक गिफ्ट देते हैं जो एक वुडन पिस्टल होती है।
सर्गी तभी कमांडर की गले से लगकर उन्हें बताता है कि वो उनकी सेफ्टी चाहता है। कमांडर सर्गी की बातें सुन के पिघल जाते हैं और उसे अपना बेटा मानकर बटालियन के साथ रहने की परमिशन दे देते हैं। उस रात सभी सोल्जर्स बहुत खुश होते हैं और सर्गी के लिए उसके साइज की सोल्जर यूनिफॉर्म ढूंढते हैं। कमांडर सर्गी को उठाता है और उसे वो कपड़े दे देते हैं। अब सर्गी वो कपड़े पहनकर इधर उधर खुशी से भागता है और मस्त मजे करता है और सब सोल्जर्स उसको सोल्जर बॉय बुलाते हैं। इसी दौरान जर्मन उनकी बटालियन पर एयर अटैक लॉन्च कर देते हैं। सोल्जर्स जल्दी से सर्गी को सेफ जगह पे लेके जाते हैं और बाकी सोल्जर्स वहाँ जंग करते हैं। इंजर्ड सोल्जर्स की तादाद बहुत ज्यादा हो जाती है और ये सब देखकर सर्गी उनकी मदद करना चाहता है। सर्गी इंजर्ड सोल्जर्स को पानी पिलाता है और तभी एक सोल्जर सर्गी को लेटर पढ़ने को बोलता है जो उसकी फैमिली से आई होती है क्योंकि उसकी आंखों पे बैंडेज लगी होती है। सर्गी को पढ़ना तो नहीं आता इसीलिए वो खुद से बना के लेटर पढ़ता है और उस इंजर्ड सोल्जर को बोलता है कि उसकी काव ठीक है। अब वो सोल्जर उससे बताता है कि बेटा मेरे पास तो काव ही नहीं है और बाकी के सोल्जर्स भी उसको लेटर पढ़ते रहने को बोलते हैं और हंसते रहते हैं क्योंकि वो खुद से बनाकर कुछ भी लेटर सुना रहा होता है। कमांडर और कातिया बातें कर रहे होते हैं। वो दोनों एक दूसरे से अट्रैक्टेड हैं बट अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर सकते। अब सर्गी अपनी इंट्रोडक्शन बटालियन के एक मेंबर की तरह कमांडर को बताता है। फिर वो एक डिस्ट्रॉयड सोल्जर स्टेशन देखता है और कमांडर उसे अपनी हेड उतार कर रिस्पेक्ट देना सिखाते हैं। नेक्स्ट डे वो कमांडर से एक मिशन मांगता है और कमांडर उसे लेटर्स डिस्ट्रीब्यूट करने को बोलते हैं। सर्गी सब सोल्जर को उनकी लेटर देता है और बदले में उनसे डांस करवाता है। फिर सर्गी बेस कैंप से अपने बायनोकुलर से खेलता हुआ कुछ दूर चला जाता है। अब वो भूसे में एक लात को हिलते हुए देखता है और भाग के बटालियन के पास जाके उनको ये बताता है। सोल्जर को इस बात पे यकीन नहीं होता लेकिन फिर भी वो उसके साथ चलने को तैयार हो जाते हैं और वहाँ वो देखते हैं कि दो जर्मन जासूस उस भूसे में छुपे हुए हैं और जासूसी कर रहे हैं। सोल्जर उन जासूस को अरेस्ट कर लेते हैं और सर्गी की समझदारी के लिए उसकी तारीफ करते हैं। उसी रात कमांडर सर्गी को उसके एडॉप्शन के लिए लीगल पेपर दिखाते हैं। अब कमांडर ऑफिशियली सर्गी के पिता है। सर्गी कमांडर के लिए कुछ करना चाहता है। वो जानता है कि कमांडर कातिया से प्यार करते हैं और ये बात बताने के लिए वो कमांडर को कातिया के पास ले जाता है लेकिन वहाँ वो दोनों कातिया को किसी और आदमी से बात करते हुए देखते हैं और वहाँ से निराश होकर मुड़ जाते हैं। जर्मन उसके बेस कैंप पे फिर से अटैक करते हैं और सर्गी सोल्जर की मदद करना चाहता है इसीलिए वो फ्रंट लाइन सोल्जर को गोला बारूद सप्लाई करता है। वो सोल्जर्स उसे अंदर जाकर शेड में बैठने को बोलते हैं। वहाँ शेड में कमांडर और सोल्जर्स बहुत पैनिक कर रहे होते हैं क्योंकि कर्नल से बात करने का टेलीफोन कनेक्शन टूट चुका होता है। अब एक सोल्जर वायर कनेक्शन ठीक करने के लिए जाता है और सर्गी भी उसके पीछे चला जाता है। वो सोल्जर बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। सर्गी उस मरते हुए सोल्जर से वायर ठीक करने का तरीका पूछता है और उसे ठीक करता है। अब कनेक्शन बिल्ड करके वो सोल्जर और यूनिट को बुलाते हैं और इस तरह सर्गी सबकी जान बचा लेता है। कमांडर कांते को अपने प्यार एक्सप्रेस करते हैं और उसे सर्गी की मॉम बनने को कहती है और कांते ये सब सुनते ही बहुत खुश हो जाती है। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी फीलिंग कमांडर को बताती है वहाँ एक सोल्जर आता है और कमांडर को एक लेटर देता है और बोलता है कि उसकी ट्रांसफर न्यू बेस पर हो गई है। अगले दिन सब सोल्जर सर्गी के साथ न्यू बेस के लिए चलते हैं। रास्ते में एक मेनीफील्ड उनकी कुछ व्हीकल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसी दौरान कमांडर को चोट लग जाती है और एक्सप्लोजन में काफी सोल्जर मारे जाते हैं जिनमें से एक से सर्गी बहुत ही अट्रैक्टेड था। वो रोते रोते कमांडर को हक करता है और जितने भी इंजर्ड सोल्जर होते हैं उन्हें न्यू बेस कैंप लेके जाते हैं। न्यू बेस में पहुंच के वो कमांडर के लीडर जनरल से मिलता है और जनरल भी सर्गी से बहुत ही इम्प्रेस हो जाता है और जनरल कमांडर को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। अगले दिन उनके डिवीजन और सर्गी को गार्ड का बैनर दिया जाता है। सर्गी जनरल से बैच लेते टाइम ये वादा करता है कि वो अपनी कंट्री की हमेशा रक्षा करेगा। अब एक रात उसका बेस भारी गोलाबारी से अटैक होता है और कमांडर एक खंडर में फंस जाते हैं। सर्गी अपने पिता को बचाने के लिए और सोल्जर को बुलाता है और वो सोल्जर कमांडर को सेफली बाहर निकालते हैं। अगले दिन सर्गी अपने पिता कमांडर से मिलने जाता है। कमांडर को बचाते समय उसके हाथों में काफी चोट आई थी। सर्गी का सब कुछ अब यही था और वो हमेशा उसके साथ ही रहता है और जहाँ भी वॉर के लिए वो सोल्जर जाते हैं वो भी उनके साथ जाता है। मूवी के एंड में रेजिमेंट दूसरी तरफ जा रही होती है और ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है।